Hello. Good afternoon, everybody. अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, पेज नंबर 169। Will you please stop talking? Some number 1 dekhiyega. Yellow t-shirt, black t-shirt. सम एकदम छोटा सा है। हाँ, सम में वैसे कोई बहुत बड़ा वजन नहीं है। सम एक स्पेशल कारण से स्पेशल है, ओके। उसको अलग से मुझे आपसे बात करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को 15-20 मिनट भी लग सकता है और 2-3 मिनट में भी काम हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम इस चीज को किस तरह से समझ पाते हो, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, क्या आप अपने इस 3-4 दिन के लास्ट क्लासेस में बैलेंस एज पर पासबुक बोल करके कुछ देखे थे कहीं पे? क्वेश्चंस में देखे थे? तो उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, माने व्हाट वी आर सपोज टू डू व्हेन वी गेट द बैलेंस एज पर पासबुक? हम लोग अपने कैशबुक का बैलेंस लेकर के आगे बढ़ना होता है। तो हम लोग अपने कैशबुक का बैलेंस निकालते हैं, वो जो BRS का जो आइटम सब रहता है उसको प्लस माइनस करके हम लोग ये काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन में एक BRS का आइटम है, नीचे में देखिए, उस आइटम का पूरा लाइन पढ़िए। चेक्स अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फॉर रिपेयर्स। कल भी एक तो इसी तरह का साथ था, कल ही तो लास्ट क्लास में ही तो सम था, तो एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही था। नीचे उन्होंने लिखा है कि जो भी चेक हम लोग इश्यू किए हैं ना, वो सेविंग अकाउंट से किए हैं। ऊपर में देखिए, दो तो बैंक अकाउंट है, एक डिपॉजिट वाला अकाउंट, एक करेंट अकाउंट है। तो डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट को आप बोल सकते हो। तो ये लोग चेक उसी से अकाउंट से इश्यू करता है। तो मेरा एक बात बोलना है कि ये जो 1930 का जो फिगर दिया हुआ है, उसके पीछे साफ साफ लिखा हुआ दिस इज द बैलेंस एज पर पासबुक, और नीचे एक लाइन लिखा हुआ है। अच्छा, ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, ओपनिंग है ना इस साल के लिए, तो लास्ट ईयर का है। आप ओपनिंग बोलिए ना चलेगा। तो एक तो चेक इशू किए थे हम लोग 300 रुपया का, रिपेयर का चेक था, वो प्रेजेंट नहीं हुआ था हमारे बैंक में। माने हम काट दिए थे चेक, हम अपना कैशबुक में पेमेंट दिखा दिए होंगे, लेकिन वो चेक बैंक में नहीं आया था। कल का पढ़ाइए, अभी रिपीट हो रहा है। तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या मिल जाए? 3 जवाब दो। पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, ज्यादा होगा, हमको
कम करना होगा सो दैट हमें हमारी कैश बुक का बैलेंस मिल जाए। कॉपी में एक ये 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 बड़ा चीज नहीं है, सब में एक स्पेशल चीज है, उसको समझाने में बहुत वक्त भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। मेरे को वहां तक पहुंचने दो, पहले अपना अपना थोड़ा सा ग्राउंड वर्क कर लो। कॉपी में लिखो ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। इज इट डन? एक्चुअल में ये जो 1630 है ना, ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, हमको इसी से सरोकार। आई मीन वी नो दिस, दिस इज आवर डेटा, दिस विल हेल्प अस टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, एनीथिंग। क्लोजिंग में एक फिगर है 260 और क्लोजिंग बैलेंस भी एज पर पासबुक ही दिया हुआ है, उसका अमाउंट है 2830। देखिए सब कोई, और फाइनली फिर से सेम चीज बोली, वो भी बढ़ा हुआ है ना, हमको गिराना पड़ेगा। लिख लो, ये काम एकदम एग्जैक्टली यही वाला काम लास्ट सम में किए थे, लास्ट क्लास का सबसे लास्ट सम इसी काम का था। अच्छा, अब आइए वो वाला बात डिस्कस करते जिसके लिए क्वेश्चन दिया गया है। आप मुझे ये बताइए, कोई भी एनटीओ, प्लीज केयरफुली लिसन, सबने इतना लिख लिया तो, कोई भी एनटीओ जब रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाता है तो वो डेटा कौन सी बुक से लेता है, पासबुक से या अपना बुक से? मान लो हमको रिसीट पेमेंट बनाना अपना, या हमको अपना इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, हम कोई भी चीज बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाना है, हम डेटा कहां से लेंगे? अपना कैश बुक से लेंगे ना, अपना वाला बुक से लेंगे ना। इस एनटीओ ने देखिए क्या किया, और रिसीट पेमेंट बना दिया है पासबुक से लेके, पासबुक से लेके रिसीट पेमेंट बना दिया, वो नहीं बनाना चाहिए था ना, बोलिए, डेटा कहां से लेना चाहिए था? कैशबुक से। ये पासबुक से लेके पूरा कंप्लीट कर दिया है, खाली पासबुक का बात नहीं है, माने रिसीट पेमेंट कंप्लीट कर दिया है पासबुक से लेके डेटा। और सबसे गंदा बात क्या है कि वो टैली भी हो गया पासबुक उनका, वो रिसीट पेमेंट, ये भी नहीं कोई डेफिसिट या कोई सस्पेंस आया है। जैसे पिछला सम में क्या था, एक तो गलदा गंदगी किया था, एक तो डेफिसिट घुसा दिया था, याद है? हम लोग जब उसको ठीक किए तो डेफिसिट उड़ गया, अगर याद हो तो, लास्ट क्लास लास्ट सम याद कीजिए। एक तो वो रिसीट पेमेंट अकाउंट ठीक से बनाया भी नहीं था, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखा भी नहीं था, याद है आपको? लास्ट क्लास का लास्ट सम मैं दिखाऊं, याद है? और एक तो डेफिसिट लिख दिया था, फिर बाद में जब हम ठीक ठाक किए तो टैली हो गया। आपको याद हो कैश बुक अपने आप टैली हो गया था, वो रिसीट पेमेंट अकाउंट जब हम ठीक करके बनाए थे तो टैली हो गया था। आज की प्रॉब्लम देखो, आज अलग ही टाइप का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझो कि रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है, टैली किया हुआ है, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जो है पासबुक से लिया हुआ है। और ये भी नहीं बोल रहा मेरा कहीं मिस्टेक है, माने कोई सस्पेंस या कोई
डेफिसिट या सरप्लस, ऐसा भी नहीं किया हुआ, पूरा टैली किया हुआ है। मेरा पहला सवाल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू प्रिपेयर ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दैट टू इवन ए टैलीड रिसीट एंड पेमेंट बाय टेकिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम द पासबुक? क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। फिर से पूछो क्वेश्चन, पासबुक से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेके एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके टैली कर देना, नहीं टैली हो समझ में आता है भाई, पासबुक से लिए टैली नहीं हुआ, अब हम उसको कैशबुक से बनाए टैली हो जाएगा। हेलो, पासबुक से बना के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पासबुक से लेके टैली कर दिया भाई, अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं हमको ये बताइए। आंसर आप नहीं दे पाएंगे हमको दुख नहीं है, हम दे देंगे, हम समझा देंगे, लेकिन क्वेश्चन आप समझ पाए कि नहीं बोलिएगा। भाई आपने बोला ना कि कैशबुक से होना चाहिए रिसीट पेमेंट अकाउंट, ये पासबुक से लेके टैली कर दिया है। पासबुक से लोगे तो डेटा टैली तो नहीं होना चाहिए ना यार, इसका टैली हो गया है। बताइए कौन कौन आंसर देने के मूड में है, ये कैसे पॉसिबल है भाई? क्वेश्चन समझे कि नहीं? लॉजिकली तो हमारी बुक से डेटा होना चाहिए था ना, पासबुक से डेटा लिया और डिफरेंट डेटा, ये भी नहीं कि पासबुक और कैशबुक सेम है। पासबुक और कैशबुक क्या, ये देखो पासबुक का आंसर है, ये कैशबुक का आंसर है, दे डिफरेंट। बोलिए किसके पास जवाब है इसको, इसके इसको उसको कुछ बोलने का? माय क्वेश्चन इज, पासबुक से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लेके रिसीट पेमेंट अकाउंट को टैली अगर कोई कर सकता है तो एक ही तरीके से कर सकता है, और वो तरीका तुमको बोलना है। नहीं बोल पाओगे कोई दिक्कत नहीं, बोल पाओगे तो अच्छी बात है। टू स्टूडेंट्स, थ्री स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तीन बच्चे बोलेंगे बस, चार। हाँ बोल बेटा, तुम बोल, क्या नाम तेरा? कपिल, बोल। हाँ मैं बोल रहा हूं, तो दोनों ही पासबुक से लिया रे, पर दोनों ही तो कैशबुक से लेना चाहिए था ना। हाँ दोनों गलत है, अब दोनों गलत है तो टोटल भी तो गलत ही होगा, मैं दोनों को सुधार दूंगा तो भी तो टैली नहीं होगा ना। एक बच्चे ने कोशिश किया कुछ बोलने का, वो मेन बात नहीं बोल पाया, पर वो जो जितना बात बोला हम उससे अग्री कर रहे हैं। ही इज नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बट एटलीस्ट व्हाट ही सेड आई एम अग्री। वो बोल रहा है सर ओपनिंग का भी अमाउंट गलत है, क्लोजिंग का भी अमाउंट गलत है। मैं बोल रहा हूं हां मैं मान रहा हूं। अब अगर हम एक बार उसी बच्चे से खाली बात कर रहे हैं, आप भी सुनते रहिएगा। अगर मैं ओपनिंग को सुधार दूं तो लेफ्ट साइड माने रिसीट साइड, सब कोई रिसीट साइड को देखते रहो, 300 रुपीज से कम हो जाएगा, बोलना है सबको इन्वॉल्व होके। और पेमेंट साइड अगर मैं क्लोजिंग को घटाऊं तो 260 से कम हो जाएगा। अब रिसीट साइड को हम 300 से कम कर देंगे, पेमेंट साइड को अगर हम 260 से कम करेंगे तो दोनों का वो तो टैली तो नहीं होगा टोटल। क्या चीज है वो 40, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, आप बताइए। अब आप और थोड़ा नजदीक पहुंच गए तो क्लियर हो गया, तो बैंक का लफड़ा है ना, मेरा कैशबुक में क्या टेंशन है। सुधार दिए ले, सुधारने के बाद भी 40 रुपए का गैप है, शांति रुकी ना, अब इसको बोलने दीजिए। तूने ठीक बोला, देख मैंने ठीक कर दिया, देख ठीक कर दिया। करने के बाद अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा ना वहां पे, बोलो तो मैं करके दिखाऊं। ये देख इसको ठीक किया, 1630 लिख दिए, इसको ठीक करके लिख दिए 25। कॉपी से देख के बोलो कितना लिख दिए, 2570। उसके बाद टोटल किए तो टैली नहीं हुआ।
चालीस रुपए का डिफरेंस आ गया। बोल कहां चला गया, कैसी तो है ये, तो कैशबुक ही तो है, कहां चला गया, बोलने दो ना उस बच्चे को। नहीं है आपके पास जवाब, छोड़ दीजिए अभी एक बार, हाँ मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरे बच्चे का जवाब, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं था। मैंने बच्चों को बोला कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पासबुक से लेकर, जो कि कैशबुक से लेना चाहिए था, कोई आदमी रिसीट पेमेंट को कैसे टैली कर सकता है। आप क्वेश्चन समझे, फिर से बोल रहा हूं भाई, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो कैशबुक से लेना चाहिए ना, पासबुक से लेकर टैली कैसे कर सकता है, बना सकता है, पर वो टैली तो नहीं होगा ना। टैली होने का एक ही कारण है बस, मतलब बोले तो बच्चा सही बोल रहा, रुको थोड़ा सा, बेचारे लोग वर्ड्स नहीं दे पाते, छोटे हैं ना जी उम्र में अभी, इसीलिए मैंने उसको भी पूरा बुलवाने का कोशिश किया, पर ही इज लैकिंग समवेयर। देखते हैं दैट बॉय क्या बोल रहा है। मतलब बच्चा ठीक बोल रहा है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बेचारे के बोलने में, मैं अगला अपनी तरफ से पूरा कॉन्फिडेंट है, नहीं कैन एक्सप्लेन मी, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। इसको अच्छा वर्ड हम देते हैं, देखिए बच्चे ने क्या बोला वो सुनिए। बच्चे ने बोला कि सर ये गलत है, इसको आप ठीक करना। बच्चे ने बोला ये भी गलत है, इसको अभी आप ठीक करना। बच्चा बोला ये रिपेयर भी गलत है, इसको भी आप ठीक करना। मैं बोला क्यों रिपेयर गलत है? बच्चे ने बोला कि सर ये जो पेमेंट है ना रिपेयर वाला, ये पासबुक का ही फिगर लेके बना दिया है। बोला जितना एक्चुअल में उसको पेमेंट हुआ ना पासबुक से, जैसे आप तो चेक इशू कर दिए पर वो तो प्रेजेंट किया नहीं ना बैंक में, तो उसको तो पेमेंट मिला नहीं अभी तक। हेलो, तो ये वाला जो फिगर है ना सर, ये रिपेयर वाला फिगर, ये भी पासबुक से लेके आदमी ने बना दिया अकाउंट। जितना पासबुक में तो एक्चुअल पेमेंट दिखाता है ना, पासबुक में तो पैसा निकलने के बाद एंट्री आती है ना, तो बोलता ये वाला फिगर भी पासबुक का ही फिगर ले लिया है, माने बीआरएस जिसमें था ना वो फिगर पासबुक से ही ले लिया है। तो पासबुक से अगर लिया तो जितना बैंक से पेमेंट उसको इस साल हुआ वही वाला यहां पे लिख दिया है। भाई हम लोग तो रिसीट पेमेंट अपना बुक से फिगर ले लेके निकालते हैं ना, तो ये वाला फिगर भी सर वो पासबुक से ले लिया। इसका बच्चा अपना स्टाइल से बोला, नाउ आई एम सेइंग इट फ्रॉम इन माय वे। देखिए अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं बोलना। अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पासबुक से लेते हैं और सारा रिसीट पेमेंट भी पासबुक से ही ले लेते हैं तो टैली हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पासबुक भी तो टैली तो होता ही है। सेकेंड, अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैशबुक से लेते हैं, कैशबुक से, और रिसीट पेमेंट भी कैशबुक से लेते हैं तो टैली हो जाएगा कि नहीं। थर्ड, टैली कब नहीं होगा? जब आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पासबुक से लें और रिसीट पेमेंट जो नॉर्मली होता है वो कैशबुक से ले तो टैली नहीं होगा। अब आप समझ पाए जो पूरा चीज तीनों को ओपन करके बोले। नाउ हियर दिस मैन हुएवर हैज क्रिएटेड दिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हैज टेकन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम द पासबुक एंड स्टिल ही हैज मैनेज्ड टू टैली द रिसीट पेमेंट। दैट मीन्स दैट पेमेंट of repair is also according to the passbook. तो टैली क्यों नहीं होगा बताओ? अब सारा डेटा पासबुक से चिपका देंगे अगर, तो पासबुक भी तो अपने हिसाब से टैली ही होता है। कल का जो सम बनाए थे ना वो ऐसा गंदा नहीं था, आज ये जो गंदगी है ना कि रिपेयर भी पासबुक से ले लिया है
उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये समझ में ही नहीं आता है कि कैसे पॉसिबल है बच्चों को। ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस खाली पासबुक से नहीं लिया, वो सारा पेमेंट पासबुक से ले लिया। उसमें जिसमें जिसमें पासबुक कैशबुक में प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रिपेयर में तो पासबुक और कैशबुक में प्रॉब्लम है ना, तो रिपेयर को भी ठीक करना पड़ेगा। नाउ टेल मी, देखिएगा थोड़ा सा टाइम दीजिए और एक बार मैं दूसरे स्टाइल से एक्सप्लेन करूंगा। अब इस रिपेयर को बताइए, 460 सब कोई 460 को देखो, ये पासबुक वाला है, आइए इसको कैशबुक वाला बनाते हैं। हाँ, कैशबुक वाला। आप पहले 300 के बारे में सोचिए, सब कोई 300 का फिगर देखो, जो सोचने बोलेंगे वो सोचना है, फिर आंसर दीजिएगा। वो 300 जो लास्ट ईयर में वो आदमी चेक से प्रेजेंट, माने चेक को प्रेजेंट नहीं किया था, वो कब प्रेजेंट किया होगा मेरे बैंक में? तो उसका पेमेंट इसी साल निकला होगा। तो ये पासबुक का फिगर है 460 का, क्या लगता है आपको इसके बारे में? इसमें वो 300 है ना, जबकि वो तो लास्ट ईयर का है ना, लेकिन वो इसके अंदर है। अगर हम हटा देंगे, मान लो इसको 160 बना देंगे, तो हम कैशबुक के नजदीक पहुंच रहे हैं ना, माने कैशबुक का डेटा लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो चलो मैंने हटा दिया, 160 कर दिया। सेकंड पॉइंट, 260 का जो फिगर है नीचे उसको देखो बच्चों, 260 बोलिए वो क्या है? सर इस साल का पेमेंट है, लेकिन पासबुक में नहीं आया अभी तक, माने उसका पेमेंट अभी रिलीज नहीं हुआ है। पर मेरा पेमेंट इस साल का है कि नहीं हमको बताओ, हम तो चेक इश्यू किए हैं कि नहीं। अब आप बोल रहे हो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तुम कर दो, तुमको तो कैशबुक का फिगर चाहिए, कर दो। कितना हुआ? 420। अब तुम सोचो इधर से तुम कितना गिराए थे टोटल में? 300। इधर से कितना गिराए थे? 260। और अभी देखिए यहां पे गिरा दिए 40। 460 हैज बिकम 420 ना। अब आपका कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टैली हो जाएगा। तो जो एक स्पेशल पॉइंट बताना था, हम समझा पाए आप लोगों को या नहीं, हमको बताइए। यू कुड अंडरस्टैंड इट? इसको हम लिखा रहे हैं, अभी लिखो। लिखिए द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज टैलीड बाय टेकिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम द पासबुक हम लिखा नहीं रहे, बोल रहे हैं विच एक्चुअली शुड बी फ्रॉम, बोलो विच एक्चुअली शुड बी फ्रॉम द कैशबुक। ये लिखा नहीं रहे, तुम जानते हो मैंने इतना लिखाना है, आगे लिखो। This is only possible when the other receipts and payments are also from the passbook. फुल स्टॉप। ये पॉइंट समझ में आ गया अभी? गुड, आगे लिखना। देयरफॉर द रिपेयर्स, ब्रैकेट में लिखो, वेयर देयर इज बी आर एस एडजस्टमेंट। बी आर एस एडजस्टमेंट को इंग्लिश में फुल फॉर्म बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला एडजस्टमेंट। हा, वेयर देयर इज BRS एडजस्टमेंट, ब्रैकेट खत्म कर दो। देयरफॉर क्या लिखा? देयरफॉर द
repairs of rupees 460. सब स्टूडेंट लोग 460 को जाके देखो क्वेश्चन पेपर में, दिखा 460 इज ऑल्सो फ्रॉम दी पासबुक. फुल स्टॉप. रिपेयर एज पर कैश बुक इक्वल टू अब ये तुम बताओ रिपेयर एज पर कैश बुक कैसे मैं 420 ला करके दिया था. एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बोलना. बोलिए 460 माइनस 300 प्लस 260 इक्वल टू 420. इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करिए. ये ऐसे माइनस प्लस क्यों किए था. 300 को पहले एक्सप्लेन कीजिए. 300 पिछले साल का था लेकिन पासबुक में इस साल में पेमेंट हुआ है ना, तो हम लोग को तो हटाना पड़ेगा ना, कैशबुक का फिगर लाना है ना, तो हम हटा दिए. और 260 इस साल का है लेकिन पासबुक में आया ही नहीं गलती से, तो ठीक है हम ऐड कर देते हैं. अब आप पूरा क्लियर हो गए इस क्वेश्चन का, खास बात पकड़ पाए. ऐसा क्वेश्चन जनरली इंस्टीट्यूट नहीं बनाता है, पिछला वाला सम का जैसा बहुत बनाता है, पर ये एक तो वन क्वेश्चन है स्पेशल टाइप का, बाकी सब नॉर्मल है. अब हम लोगों को सम बनाने में 20 मिनट भी नहीं लगेगा, सम कंप्लीट हो गया बस. बोलिए क्या क्या करना पड़ेगा आप क्वेश्चन से बोलिए. ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाओगे, चलो बनाते हैं, बनाओ. मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट रिलेटेड इतना डेटा मिला है, आपको कोई और डेटा मिलता है तो बोल देना, मैं उसके बाद कॉर्पस फंड निकाल लूंगा. मशीनरी फिक्स्ड असेट हो गया, कैश और तीनों बैंक बैलेंस, ये तीनों पास वहां से मिल गया रिसीट पेमेंट से, एक को सुधार के लिखे बाकी सब ठीक था. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग मेरे को सम से ही मिल गया. ये 400 हम कहां से लाए, ये वाला, ये कैसे पता चला कि ये लास्ट ईयर का बाकी था. हाँ लिखा हुआ है, और इस बार कैशबुक में पेमेंट दिखाया ना तो वहां लिखा है कि ये लास्ट ईयर का है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर में बाकी था. कॉर्पस फंड निकाल लो.
बोलिएगा इसके बाद क्या करना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। वो किस लिए? सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और सम में भी बोला है कि बनाओ। फॉर्मेट रेडी, कैन वी स्टार्ट नाउ? पहला इनकम का नाम बोलिए और उसका अमाउंट जैसे आप स्मार्टली निकालते हैं, तीन दिन से कर रहे हैं आप, अच्छे से एक बार और कीजिए। आज बहुत टफ सम एक तो बनेगा और नेक्स्ट क्लास में सबसे टफ सम बनेगा, ठीक है? आराम से, अभी ये वाला सम इजी है। बोलिए पहले नाम बोलिए। इनकम, इनकम बाई इंटरेस्ट, ओके। अब बाई बैंक बोल रहा हूं, बोले बाई बैंक साला कौन सा इनकम हो गया? बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट में ना कुछ तो मिल चुका है रे और कुछ नीचे में मिलना बाकी है। उन्होंने नीचे लिखा है, देखिएगा, कुछ मिलना बाकी है। बताइए कैसे करना है। इंटरेस्ट अक्रूड माने इंटरेस्ट रिसीवेबल, 30 मिल चुका है, 20 मिलना बाकी है। इनकम कितना हो गया? 50। रिसीव्ड और रिसीवेबल बोथ आर अक्रूड, एक अक्रू हुआ मिल गया और एक अक्रू हुआ नहीं मिला, अक्रू तो दोनों ही हुआ। नेक्स्ट इनकम का नाम बोलो। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ऐसे देखिए मैं आपका ये वाला टेस्ट बहुत बार ले चुका हूं। Every time you had given the correct answer, please इतना correct देने के बाद में एक तो wrong मत कर देना। मैं इस साल का income पता करने जा रहा हूं, कितना minus कितना plus करूं बोल दो। Minus, very good. So if you are doing it correct, I'm not asking for the logic because you had given the logic for n number of times. Thank you. Answer बोल दो। क्या बोल रहे हैं? क्यों हंसा क्यों तुम लोग? नेक्स्ट आइटम बोलो। चाय अकाउंट में, हाँ वो भी नेट पेमेंट भी है चाय में, हाँ तो नेट कर दो। रिसीट ज्यादा है तो, रिसीट कितना है टी अकाउंट में? 300 रुपया। और पेमेंट कितना है? 250। तो अपने वो प्रॉफिट हो गया क्लब को 50 रुपया का। और बोलिए। अच्छा अभी फेयर अकाउंट में भी वैसा ही है क्या? फेयर में लॉस है? वेरी गुड, देख लो एक बार, चेक कर लो, हम रेडी हैं, हम भी चेक कर लेते हैं। ओ भारी लॉस है नहीं? कितने का लॉस है? तीन सौ का लॉस लिख दिया मैंने। इसके बाद एक अमाउंट लिखा है, देखो
सेल ऑफ इक्विपमेंट, और हम लोगों को मालूम नहीं है कि जो इक्विपमेंट का सेल हुआ है वो कितने का है। और एक लास्ट बात पूछ रहा हूं, अगर सच्ची में मान लो मालूम नहीं चलता है कि वो इक्विपमेंट कितने का है और सम में बोला 80 इज द सेल वैल्यू, तो आप लोगों को अगर अजम्पशन लेना पड़ता है तो आप लोग कैसे लेते हो? पूरा प्रॉफिट हो गया, मतलब जीरो का माल था और 80 में बेच दिए, या आप ऐसे मानते हो नहीं सर 80 का ही था और 80 में ही बेचे हैं, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, कैसे आप लोग क्या मानते हो मैं जरा देखना चाहूंगा। और फिर आईपीसीसी में क्या मानना चाहिए वो हम बताएंगे। कितने लोग मानते हैं सर अगर ऐसे लिखा हुआ रहता है सेल ऑफ इक्विपमेंट 80 और नहीं पता चल रहा है कि कितने का इक्विपमेंट है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस कितने लोग बोलते हैं? सर हम लोग तो यही मानते हैं, हाथ उठाओ पूरा नीचे। कितने लोग मानते हैं नहीं सर फुल प्रॉफिट, जो 80 है वो प्रॉफिट है, माल जितने का जीरो का माल था, 80 में बेचे 80 कमा लिए, ऐसा कितने लोग मानते हैं? 1, 2, 2। आईपीसीसी फर्स्ट वालों के साथ है, इन दो बच्चों के साथ नहीं है, इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ है, वैसा अजम्पशन इनवैलिड है। ये जो बच्चों ने बोला है आप लोगों का आंसर वैलिड है, लॉजिकल भी है। 80 में बेचा, डिटेल नहीं मालूम तो 80 का ही माल होगा, इज इट डन? आगे वैसे हम लोग कोशिश करेंगे माल का वैल्यू पता करने का, अगर पता चलेगा तो, नहीं तो 80 का माल मान के 80 में बेचा मान जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइटम बोलो, और नेट करके ही दिया हुआ है, लिख दो। By net proceeds from variety entertainment, amount बताइए, अच्छा एक तो donation मिला है उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसको देख के मेरा थोड़ा हाथ रुक गया यहां पे, आप बताइए आपको जो मन करे, आप एक तो sentence बोलिए, अभी तक every time इस तरह की चीजों में आपने correct बोला है, fund बनेगा ना, fund का नाम क्या देना चाहिए? टूर्नामेंट फंड। बच्चों ये जो आपका आंसर मिल गया मेरे को, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो टूर्नामेंट फंड बनेगा ये रेवेन्यू पर्पज है कि कैपिटल पर्पज है? हड़बड़ाना मत, हाँ, टूर्नामेंट इज नेवर क्रिएशन ऑफ ए कैपिटल असेट, टूर्नामेंट ऐसे होता है मैच मैच खेल के बच्चे चले जाते प्राइज लेके, वही है ना? तो सर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज फॉर रेवेन्यू पर्पज, तो ठीक है डन, थैंक यू। अब अपने एक्सपेंडिचर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, पहला नाम बोलो, इसमें ना एक आउटस्टैंडिंग भी है नीचे में, ग्राउंड्समैन को जो पैसा दिए हैं वो तो ऊपर में कैशबुक में है, नीचे कुछ पैसा देना बाकी भी है, नीचे लिखा हुआ है, कितना लिखूं सब मिला के? अच्छा उसके बाद एक मशीन है, बोलो बोलो नीचे, बैलेंस शीट ना, एसेट की चीजें छोड़ देते हैं, और नीचे आओ रेंट, फिर टी हो गया ना, फेयर भी हो गया, रिपेयर्स, वेरी गुड। इसके बाद एक ऑनोरेरियम का पेमेंट है और साफ लिखा हुआ है कि वो लास्ट ईयर का है, अब ये हाँ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं ले रहा हूं बेटा, सुनो तो सही, अभी पॉइंट ये है कि इस साल का ऑनोरेरियम कितना है वो नीचे लिखा हुआ है,
हम बहुत अच्छे से पढ़े थे उसको, आप भी अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ के ठीक से बोलिएगा कि इस साल का ऑनोरेरियम कितना है। 600 है ना, लोग वो 200 देख के 200 बोल देते हैं, वो 200 नहीं है। हाँ, वहां लिखा इट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 200। बोले ना आप, एक क्वेश्चन बहुत कमजोर सा, यू हैड आंसर्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, प्रूव करो इसका पेमेंट नहीं हुआ है, प्रूव करो कि इसका पेमेंट, हाथ देखो किसका पूछ रहे हैं सर, रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं है और जो दिख रहा है ना 400 वो लास्ट ईयर का है, तो ये आउटस्टैंडिंग है सर, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बोल के जाएगा। वेरी गुड, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब ये इतना बार कर लिए ना सिंगल एंट्री एनटीओ में कि कंट्रोल आ गया, बंद करना है। उसके बाद तो तीन ठो बैलेंस दिया एसेट साइड में, रुकिए अभी जो मशीन एंड इक्विपमेंट है उसका डेप्रिसिएशन पता करना है। कैसे पता करने का तरीका क्या दिए थे? हाँ सर, ओपनिंग से जर्नी स्टार्ट करो, पता सब चल जाएगा। चलो कैलकुलेटर पे ओपनिंग लिखो, ओपनिंग मशीन कहां है पता करो, 800 एक बार कैलकुलेटर पे लिख लो। एक ह्यूज परचेज हुआ है मशीन का, बहुत बड़ा परचेज हुआ है, पता करो 1500 ऐड कर लो। एक छोटा सा सेल हुआ है 80 माइनस कर दो, 2220 आ रहा है। बैलेंस शीट देखो, क्लोजिंग 1750,
दिया हुआ है क्लोजिंग, जो ढूंढ रहे हैं वो दिया हुआ है, बैंक भी दिया हुआ है, कैश इन हैंड भी दिया हुआ है, कैश लिखिए, कैश बुक में क्लोजिंग कैश है ना, बोलिए सब लोग टैली कर पाए। देखिए जो भी आपसे मिस हुआ है आप इस आंसर से चेक करके देखिए क्या मिस हुआ है। इधर में ना हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, सब दिया हुआ था 1750, 250, 2570, 150, 100, 20, 300, ये खाली थोड़ा मेहनत लगा 80, ये तुम लोग बोले ही थे 1000 और ये नॉर्मल है। डन, सबका कंप्लीट, एक मिनट है, एक मिनट। अच्छा देखिए हम आपको ना एक चीज बोलेंगे, अभी 5-7 मिनट अपने इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं उससे क्या निकलता है। देखिए रेडी, सब कोई लिखना छोड़ के बोर्ड पे देखो, मेरे पास शुरू में 800 रुपया का मशीन था। यस नो बोलना है, कैलकुलेटर छोड़ करके मोबाइल वोबाइल छोड़ के बोर्ड पे देखो, कितने का मशीन था। हम 1500 और परचेज किए, ओपनिंग परचेज मेरे पास 1750 का क्लोजिंग बैलेंस है। हम ड्यूरिंग द ईयर कुछ बेचे हैं, है ना, वो हम 80 में बेचे हैं, कितने का बेचे हमको पता करने का मन है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, 80 इज द सेल वैल्यू, एक ऑल्टरनेट दे रहा हूं, ये कैसे ठीक नहीं है हम लोग बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सम सॉल्व आंसर टैलीड फुल मार्क्स उसके बाद। 800 का ओपनिंग मशीन है, 1500 परचेज किए, 1750 अभी भी पड़ा हुआ है, डन। तो ऐसे मन किया एक बार जोड़ते हैं ना, 2300 माइनस 1750, भाई 550 का माल था वो, जो हमने बेचा वो 550 का था। इट इज थिंकिंग, 80 में बेचा, 550 का माल था, 80 में बेचे तो मेरे को 470 रुपीस का लॉस ऑन सेल हुआ। अब यहां पे हम लोग लेकिन नाम दिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ना, अपने को यह सोचना है आज कि डेप्रिसिएशन नाम देना अच्छा है और सेल 80 का 80 में हुआ यह सोचना अच्छा है, या 550 का माल 80 में बिका और 470 का लॉस हुआ यह सोचना अच्छा है। दोनों में मोस्ट लाइकली ढूंढना है कि वेदर 80 का माल 80 में बिका, 470 इज द डेप्रिसिएशन दैट लुक्स मोर स्ट्रांग टू यू, या डेप्रिसिएशन इज जीरो, 550 का माल पक्का बिका है 80 में तो 470 का लॉस पक्का। आपको क्या लगता है किसके साथ रहना ज्यादा पसंद होगा, डेप्रिसिएशन के साथ ना, बिकॉज असेट है तो डेप्रिसिएशन इज ए मस्ट। माल बेचोगे लॉस होएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन का होना। तो हम लोग जिस तरह से आगे बढ़े थे वही ज्यादा लॉजिकल है,
लेकिन एक बात और बोल दूं, उसके बाद भी कोई बच्चा अगर यहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिखता है ना, तो भी उसको टीचर मार्क्स काटता नहीं है। अल्टीमेटली उसका भी सारा आंसर सेम ही है, बस यह नाम चेंज हो गया उसका। इज इट ओके? हाँ, तुम कुछ पूछ रहे थे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या चीज से रिलेटेड सम है? सब्सक्रिप्शन से, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर, कैश बुक, ये सब नहीं मांगा है, बैलेंस शीट नहीं मांगा है। तो एग्जैक्टली क्या मांगा है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और फिर फाइनली उसमें से राइट एन अमाउंट या व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट इन रिलेशन टू सब्सक्रिप्शन। एक बार बोर्ड पे देखिए तो इसको देख के बताइए तो, व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 9 लाख। आप जानते हैं सब चीज, आप टेंशन मत लो, आपने सही बोला है। आई मीन इन टूडेज क्लास यू हैव नॉट सेड अ सिंगल थिंग रॉन्ग। एंड व्हाट अमाउंट इज गोइंग टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर? 9,18,000। तो यही फिगर आपसे मांगा है, और आपको अच्छे से मालूम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देंगे तो ये आ जाएगा, और एक तो मिसिंग रहेगा तो दूसरा तो पक्का ही आ जाएगा। एंड वी हैव डन दिस मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। फर्स्ट लाइन जरा पढ़ के बताइए तो, जो इन्फॉर्मेशन चालू हुआ वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। इसमें असेट कौन सा है और लायबिलिटी कौन सा है, नाम से बताइए। जो अरियर है वो असेट है, और जो एडवांस है वो लायबिलिटी है। थोड़ा लिख करके लेजर में स्टार्ट कीजिए। तो
ठीक है जी, मैंने लिख दिया आपने जो बोला, आई जस्ट डिड दैट, आई रोट एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। पढ़िए उसके आगे वाला लाइन, यही बोले ना आप लोग? ठीक है, मैंने लिख दिया, और बोलो आप। ए नंबर पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है वो लोग? किसमें? हाँ तो अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है, देखिए तो ठीक बोल रहा है क्या? बोला ये जो ए नंबर हम पढ़ रहे हैं ना सर, वो इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, माने ये जो 98,000 का जो फिगर है ना, उसका ब्रेकअप दिया, हमको कहीं लिखना नहीं है सर, हम ऑलरेडी 98,000 लिख चुके हैं, इसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि ये कौन सा साल का बाकी है, इज इट ट्रू? तो ठीक है ना, जो ब्रेकअप दिया एक बार बोल तो दो हमको, बोलो कौन से साल का कितना कितना है। 2007 का कितना और बाकी? ठीक, लेकिन ये 98 इसमें लिखा हुआ है तो इसी का ही तो ब्रेकअप ही दिया हुआ है ना। अब देखिए, पिछले 5 दिन से, आज 5th क्लास है शायद या 4th क्लास है, वो पहला वाला क्लास को अगर आधा मान ले तो चलो आज 4th क्लास है, कोई क्लास में कोई सम में ऐसा ब्रेकअप का जरूरत नहीं पड़ा था कि ईयर वाइज ब्रेकअप बताओ, नहीं जरूरत पड़ा था। इस सम में क्यों जरूरत है आप अगर ध्यान देंगे तो आप दूसरा वाला लाइन पढ़िए, आपको पता चलेगा। उन्होंने खाली ये नहीं मांगा कि पीएल में कितना जाएगा और कैशबुक में कितना जाएगा, साथ में एक चीज और मांगा है, ऑल्सो गिव द ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ रिसीट। कैशबुक में आप जो फिगर भेजेंगे ना रिसीट वाला, उसका ईयर वाइज ब्रेकअप चाहिए उसको। मान लो 2 लाख आपका टोटल रिसीव हुआ तो बोलेगा कि 2006 का कितना मिला, 7 का कितना मिला, 8 का कितना मिला, 9 का कितना मिला, पूरा ब्रेकअप मांग रहा है अगला आपसे। सर क्यों? ऐसे ही सर, रिसीट पेमेंट में तो एक फिगर लिखते हैं ना, 2 सब्सक्रिप्शन, हाँ एक ही लिखते हैं, तो ये क्यों मांग रहा है? ऐसे ही स्टूडेंट का इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। तो जो ये वाला काम करेंगे ना आप लोग, ईयर वाइज ब्रेकअप वाला, वो इस क्वेश्चन का हार्ट ऑफ द सम है, बाकी तो बच्चा सम है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। डरिएगा मत, आराम से बोलिएगा, बोलो क्या दिया है। एक बच्चा बोल रहा 74,000 का ब्रेकअप दिया आपकी बार, ठीक बोल रहा है ना वो? बताओ ब्रेकअप दो, कोई बात नहीं। 2007 का कुछ है और 2008 का कुछ है, ठीक है बोलो। ओके नाइस, ठीक है। देखिए इससे एक चीज पता चलता है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, इससे एक चीज पता चलता है कि 2006 का या तो सारा पैसा मिल चुका है या डूब चुका है, नहीं समझे? क्योंकि 2006 का ये जो बाकी था वो 2000 माने ईयर एंड में आते आते बाकी नहीं है, तो खत्म हो गया ना, तो खत्म कैसे हुआ होगा? या तो मिल गया होगा या डुबाना होगा, तो लोगों ने डुबा दिया होगा, सब्सक्रिप्शन ही तो है ना, लोग डुबा भी तो सकते हैं ना। पढ़िए आगे, गुड, नेक्स्ट पढ़िए, मजा आएगा बना के सब। कितने मेंबर हैं? वो तो शायद लास्ट ईयर है ना, देखो तो ये लास्ट ईयर का है क्या, 1460 या इस साल का है? तो मुझे तो इस साल का चाहिए, -60 कर दें क्या? अच्छा अच्छा, कैसे पता चला? अच्छा 60 मेंबरशिप कैंसिल हो गया है, तो मतलब
1400 मेंबरशिप ही हम लोग का इस साल में था, यही तो वो लोग 100 रुपया करके हमको अगर देगा तो मेरा 1,40,000 का इस साल का इनकम होगा। इनकम मिला कितना वो तो कैशबुक बताएगा, पर इनकम कैन बी कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मेंबर्स विद द सब्सक्रिप्शन पर एनम। ये अपना इस साल का इनकम है, 1400 मेंबर 100 रुपया करके देगा, 140,000 इज माई इनकम। मिला कितना वो अभी पता चलेगा। डी पढ़िए, क्या लिखा है। क्या चीज का एंट्री करना है, बोलिए, डरते क्यों हैं? डूब गया क्या पैसा, तो बैड डेट लिखने बोल रहा है क्या? मेंबर लोग नहीं देगा क्या पैसा? निकाल दिया क्या उन लोग को? तो निकाल दिया तो अब क्या देगा वो लोग? तो हटाओ बैड डेट लिख के, खत्म करो अकाउंट को। पता करिए पहले 20 मेंबर के लिए क्या बोल रहा है। 2005 के बाद पे ही नहीं किया। अच्छा, हम लोग उनको निकाले कब? देखो तो उनको एक्चुअल में लात कब पड़ा? नहीं, टाइम पूछ रहे हैं, साल नहीं, टाइम। 2008 के स्टार्टिंग में तो लोग कौन से साल का पैसा नहीं दिया? खाली 7 का नहीं दिया, 6 का भी नहीं दिया, वेरी नाइस। 5 का? 5 का दे दिया, पक्का देख लो, चेक कर लो। 5 का दे दिया, अच्छा 6 का नहीं दिया और 7 का नहीं दिया, इसलिए 8 की बिगिनिंग में ही हटा दिए। 2 साल का उन लोग डुबा दिया पैसा, 20 मेंबर लोग 2 साल का पैसा डुबा दिया, 2006 का भी और 2007 का भी। मैं खाली 20 मेंबर का अभी लिख रहा हूं। ये खाली 20 मेंबर का हम लिख रहे हैं। देखिए तो आप कन्विंस्ड हैं क्या इस चीज से? इसको कुछ चेंज करना हो तो हम कर देंगे। लाइन पढ़ लो, पढ़ के फिर हम भी पढ़ लेंगे। कुछ चेंज करना होगा तो आई विल चेंज इट। लिखा हु डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर 2005, माने अंटिल 2005 सब दिया है वो लोग। 2006 में कुछ नहीं दिया, 2007 में कुछ नहीं दिया। हाँ तो 8 में तो फिर निकाल ही दिया, 8 का तो ड्यू होगा ही नहीं उन लोग का। ये एकदम ठीक है। 40 मेंबर लोग क्या किया? 2006 का दिया वो लोग, तो खाली 7 का डुबा दिया वो लोग। बाई कैश सम खत्म हो गया, बैलेंसिंग फिगर निकालना है।
रेडी जल्दी। अच्छा देखिए, आप पिछले 3 दिन से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, आज 4th डे है। बैड डेट आपने कभी भी देखा था? नहीं, हम लोग पहली बार बैड डेट देख रहे हैं। बैड डेट का मतलब वो रुपया जो डूब गया। तो जो भी मिलने वाला पैसा है, डूब तो सकता ही है ना मुन्ना, तो सब्सक्रिप्शन भी जो मिलने वाला है अगर डूब रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? बैड डेट का अकाउंटिंग ही तो करना है, बाई बैड डेट लिख के बैड डेट को पीएल में ही तो भेजना है। तो बैड डेट एनटीओ में भी हो सकता है। आप सिंगल एंट्री में तो बैड डेट लिखते ही थे, डेटर अकाउंट में बैड डेट तो लिखते ही थे, और क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन जो मिलने वाला वही तो डेटर है और क्या। सो इट्स फाइन इफ इट यू गेट बैड डेट इन ए क्वेश्चन ऑफ एनटीओ। सारे फिगर को देख के बताओ, रिसीट एंड पेमेंट में कौन सा फिगर जाएगा? ये आपके पहले सवाल का आंसर हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा फिगर जाएगा? ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये उन्होंने मांगा है। या तो आप बोल सकते हो कि अकाउंट देख लो, या नीचे आप लिख सकते हो, लिख लो। ₹1,58,000 will go to receipt and payment account. And ₹1,40,000 will go to income and expenditure account. अब एक बार उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ क्या मांगा है पता करो। ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ क्या मांगा है? रिसीट मांगा है ना। इस क्वेश्चन में रिसीट बताओ। आपके सामने ही रिसीट है, अभी अभी आपने रिसीट बोला है। 1,58,000 इसका ईयर वाइज ब्रेकअप मांगा है। और मैं एक 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 करके धीरे 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 करके आपसे पूछूंगा। आप एक्साइटेड मत होना, ये इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसका उतना टफ नहीं था, ये अभी जो बेस्ट पार्ट है वो आ रहा है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये जो 38,000 है, सब कोई क्वेश्चन देखेगा, कोई कुछ लिखेगा नहीं, क्या इसका कुछ पैसा इस साल मिला है? क्या इसमें से कुछ पैसा इस साल मिला है? क्या कुछ डूबा भी है? क्या कुछ बाकी भी है? सुने, सर इतना चीज बोल दी, क्या क्या सुने, सुनो एक साथ। ये 38,000 क्या है? बाकी है ना, तो इसमें से कुछ डूबा है, कुछ मिला है, कुछ क्लोजिंग में लेकिन बाकी नहीं है। तो टेल मी, आउट ऑफ 2006 जो 38,000 बाकी था, उसमें से मिला कितना है? मिला कितना है? हाँ, आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, 36,000 मिला। इसको कॉपी बाद में करना, इसमें इन्वॉल्व रहो खाली बस। आप स्ट्रांगली मानते हैं कि ये 36,000 जो मिला है वो इसके अंदर पक्का इंक्लूड होगा, क्योंकि आप ये बैलेंसिंग फिगर लाए हो, इसमें हर रिसीट इंक्लूड होगा जरूर। All the receipts that had happened during the year, इसमें होगा जरूर। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? देखो इसको, इसको देखो सर, सब देखो इसको, बोलो। हाँ, 60,000 बाकी था। एक मिनट, एक बच्ची कुछ बोल रही है। 60,000 बाकी था, मान गए। 6,000 डूब गया है ना, यही तो 6,000। वेरी नाइस, 6,000 डूब गया, तो बाकी मिल गया होगा, बाकी फिर मिल गया होगा सर। 20 अभी भी बाकी है। ओके ओके, तो बाकी मिल गया होगा फिर। अगर 20 अभी भी बाकी है तो 60 टोटल था ना, तो 6 तो डूब गया। 20 अभी भी मिलना बाकी है तो 34 तो मिल गया होगा।
इसके बारे में क्या बोलना है बताना? ये जो 1,40,000 इस साल का है, ये तो इस साल का इनकम है ना, इसका तो मेजर पोर्शन इसी साल मिला होगा ना, यही तो मेन मिलता है हम लोगों को, इसका क्या स्टोरी है? खाली इसके बारे में बोलना अभी, कैसे 1,40,000? अच्छा, इसमें से 54 अभी भी बाकी है ना। जो भी बोले ना, हम उससे नाराज नहीं है, लेकिन हम एक चीज बोलेंगे, आप खुद अपने आप से नाराज होइएगा। ये 6,000 को क्या बोलते हो बोलो तो? इसको देखो, देखो इसको, इसको देखो, ये कब मिला है, कब मिला है ये पैसा, कौन से साल का पैसा है? तो इसी 1,40,000 का ही तो पार्ट है, बोलो हाँ या ना। तो 1,40 में से 6 पहले ही मिल चुका है, 6 एडवांस है भाई, हाथ का मूवमेंट देख रहे हो कि नहीं, और मान रहे हो कि नहीं पहले ये बताओ। जो एडवांस होता है वो पिछला साल ही मिल जाता है इस साल का, तो 140 में 6 पहले ही मिल चुका है और 54 मिलना बाकी है, तो 60 का हिसाब हो गया, 80 मिल चुका, मतलब 80 मिला है इस साल, 80 मिला है, 6 पिछले साल ही मिल चुका था। आपने 86 बोला, वो थोड़ा सा रॉन्ग था, वैसे ठीक था। आठ हजार की प्रॉब्लम है, ये मैंने आपके लिए सारा लिखा, आपको कॉपी करने पूरा देंगे। 8,000 और कहां से मिला है? अरे सर ये देखिए ना, ये जो 8,000 लाइबिलिटी पड़ा है, ये भी तो मिला होगा तभी ना लाइबिलिटी है, तो सर इसी साल मिला है, 2009 के लिए अभी से मिल गया है। ये टोटल ईयर वाइज ब्रेकअप है, थोड़ा रुके ना, कॉपी करिएगा आराम से। देखिए आपको एक तो बात बताते हैं, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था, ये चीज नहीं मांगा था वो लोग, वो लोग खाली यही मांगा कि ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये 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 लिख दो। इसके लिए ये सब भी जरूरी नहीं था, ईयर वाइज ब्रेकअप। हम बोल रहे ये अगर हम अंदर में नहीं भी लिखते, तो भी आंसर टैली कर पाते कि नहीं हमको बताओ। ये फिगर में ईयर का कोई लफड़ा थोड़ी था, इस फिगर में भी ईयर का लफड़ा थोड़ी था, ये चीज हम ऐड किए। हम बोले बच्चों को मेहनत करने दो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है ये चीज की, ईयर वाइज ब्रेकअप पता करने में थोड़ा चैलेंज नहीं है सब में? सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज नॉट द चैलेंज, ये ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ रिसीट इज चैलेंज। कोई बच्चा बोलता है सर ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ रिसीट लेके क्या करेंगे, रिसीट तो आदमी को टोटल लिखना पड़ता है। कैशबुक का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है आप समझते हैं कि नहीं ये चीज। चलिए कॉपी कर लीजिए, ये सम 6 मार्क्स का था, ये इसके बिना, विदाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे,
आप जितना बचा सकते हैं बचा लीजिएगा, 1 घंटा 15 मिनट लगना चाहिए। सम को देख के आपको नहीं लगेगा कि इतना देरी का सम है। पढ़िए, ये उसी तरह का सम है जहां पे आप पहली बार जब उतरते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि पानी कितना गहरा है। जैसे जैसे उतरते जाते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। वन मिनट, क्या बोल रहा है? सुने नहीं? अरे डांटेंगे नहीं, बोलिए ना, हम सुने नहीं। हाँ प्रॉब्लम यही ना, तुम पहले पहले तो दादागिरी में ऐसे चल दिए ना, नाव लेके तो गए ही नहीं ना, नाव लेके जाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर नाव लेके जाओगे तो 50 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलिए सम देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार भी आपको नहीं लगेगा कि इतना वक्त लगने लायक समय। आपको प्रीटी ऐसे सम कंफर्टेबल है, स्ट्रांग है, लेकिन मतलब अगर आप टाइम डिवोट करने के लिए रेडी हैं तो उस तरह का डिफिकल्ट सम नहीं है कि अनसॉल्वेबल है। लेकिन अगर आप हड़बड़ करके जल्दी सल्टाने की कोशिश करेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल। इट्स वेरी गुड सम। इसी तरह का एक सम होमवर्क में भी है, ऑलमोस्ट इसी तरह का आज देंगे। सुनिए, सम पढ़ लिए अपन सब, जरा थोड़ा सा बातचीत कम करना। और प्लीज अभी ना एक रिक्वेस्ट है, सॉल्यूशन में आप लोग आपस में बात भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा कोशिश करो कि आप मेरे से बात करोगे, ठीक है? मैं जनरली बोलता हूं क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, सॉल्यूशन में आपस में बात करो। अभी हम ये बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में हमसे बात करो, आपस से ज्यादा मेरे से बात करो, ठीक है? आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा, ये बताइए। रिसीट पेमेंट बनाना है? अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर बना के दिया है क्या? अच्छा अच्छा, रिसीट पेमेंट आप बनाओगे और बैलेंस शीट बना, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्या बोल रहे हो? बनाएंगे आप? क्यों बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के डेटा कहां है? नीचे में है, लेफ्ट वाले की राइट वाले? लेफ्ट वाले। मैं नाम पढ़ता हूं, खाली असेट और लाइबिलिटी बोलना। फिक्स्ड असेट, बैंक बैलेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एडवांस सब्सक्रिप्शन, बॉन्ड, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन असेट। हाँ, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, एनटीओ वाले लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट्स एन असेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, एडवांस फॉर स्टेशनरी असेट। कोई भी किसी को एडवांस दो आप किसी भी चीज के लिए, असेट होता है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और क्रेडिटर्स
अगर ये असेट लाइबिलिटी है आपके पास है, खाली कॉर्पस फंड निकालना है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसका भी आंसर मैच कर गया कंफर्म कर दो कि अपने आराम से कम ओपनिंग बैलेंस शीट तो हम लोग हमेशा ही आराम से बनाएं, और अभी तक सारे ही सम ठीक से ही बना रहे हैं। थोड़ा बड़ा सम है, थोड़ा ध्यान देंगे और क्या। एक बार फिर से बोलो तो ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाने का ट्राई क्यों किए? कॉर्पस फंड के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको और क्या क्या बनाना है? मेन मेन बात रिसीट पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड
देखिए तो मेजर एडजस्टमेंट्स हैं क्या, तो ऐसे टाइम पे हम क्या बोलते हैं, एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो सेफ रहेगा, सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट बना लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस है सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे, चलिए बना लीजिए छोटा सा है, इस अकाउंट के बारे में कुछ बोलना आपको, ये आता है एकदम अच्छे से, कई बार प्रैक्टिस हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, आप रुकिएगा नीचे के पैराग्राफ, अच्छा प्लीज ध्यान रखना, आपको रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट बनाना है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ बना के, यही सच है, ठीक है। आप बी नंबर पॉइंट पढ़िए, बी नंबर पॉइंट पढ़िए, बी बी नंबर पॉइंट पढ़िए और बताइए इसमें क्या लिख के दिया हुआ है। कुछ फिक्स्ड असेट खरीदा गया है, कब, 110 को, 110 देखिए तो एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द ईयर है क्या, एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द ईयर है क्या, गुड। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 5%, मिडिल होने से 2.5, 5% अगर साल का डिप्रिसिएशन है, मिडिल में खरीदोगे तो 2.5% ही तो होगा, 5% फॉर फुल ईयर ही तो है। सुनिए ना, आपका ओपनिंग फिक्स्ड असेट कितना है, देखिए तो यहां से देख सकते हो 2.40 ना, उसके बाद आपने कुछ खरीदा है, मान लीजिए अगर हम नहीं खरीदते कुछ भी, ऐसे ही पूछ रहे, तो 2,40,000 पे 5% डिप्रिसिएशन देते कि नहीं देते, कैलकुलेट करो तो एक बार, 12,000, एक बार पीएल देखो तो, इनकम एक्सपेंडिचर देखो तो 13,000, तो वो जो 1,000 है, अब तुमको बोलना, यहां से हम नहीं बोलेंगे, वो नया वाला मशीन का डिप्रिसिएशन है ना, तो नया वाला मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट बता दो, और नहीं बता पाओगे अभी जब तुम्हारा मुंह से आवाज निकलेगा और गलत निकलेगा तो जाते वक्त इधर से गाल दिखा के जाना, जबरदस्त थप्पड़ मारेंगे, सॉलिड वाला, मतलब जिंदगी भर याद रहेगा। 40,000 निकाल पाए ना बेटा, थैंक यू, लिखो कॉपी में, कितने जन का 20,000 निकला, 20, 40 करेक्ट है, जो 20 निकाले समझ जाओ क्यों रॉन्ग है, बच जाओगे थप्पड़ खाने से। नहीं नहीं अकाउंट नहीं चाहिए बेटा, खाली 40,000 का अमाउंट निकाल लो ऐसे,
इसको आप अपने तरीके से भी शॉर्टकट में भी डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 13 माइनस 12 इंटू 100 बाई 2.5, 13,000 टोटल माइनस 12,000, मतलब इतना भी क्यों बनाएंगे, सीधा परचेज इक्वल टू 13,000 माइनस 12,000 इंटू 100 बाई 2.5 या यहीं पे डिवाइडेड बाई 2.5%। सॉरी, माने इतना भी नहीं लिख के सीधा ऐसे भी कर सकते थे। ये सब जब एकदम स्ट्रांग कमांड आ जाए और 15-20-30 क्लास पढ़ लें तो लोग इतना फास्ट भी करेंगे। समझे कि नहीं, ये 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2.5, दिक्कत हुआ? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको दिक्कत हुआ बताओ क्या दिक्कत हुआ, हम समझाएंगे भाई। हर तरीके से स्ट्रांग होना है। 13 माइनस 12 तो यही है, 13 टोटल, 12 ओल्ड वाला, एक नया असेट का हो गया। 2.5% डिप्रिसिएशन है, 5% साल का है, 2.5% है, 2.5% इक्वल टू 1,000, तो 100% इक्वल टू कितना, 2.5% डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,000, 100% इज द कॉस्ट ऑफ द असेट। तो इफ 2.5% इक्वल टू 1,000, 100 इक्वल टू कितना, ये कंप्लीट। चेहरा उतरा हुआ क्यों है, ये दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना? हाँ, सेकेंड लाइन पढ़ो, मतलब पैरा सी, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट है, क्या इन लोगों के कोई क्रेडिटर का डिटेल है क्वेश्चन में? तो हम लोग ऐसा केसेस में क्या करते हैं, एक छोटा सा क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। यू रिमेम्बर क्रेडिटर अकाउंट पहले भी आप बनाए हैं, बना लो। सुनिए सुनिए, आप लोग सभी को एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग इधर देखिए ध्यान से। हाँ, अभी मैं आप लोगों का जो कॉपी देख रहा हूं, जिस तरह से आप लोग लिखते हैं, हमको कोई नाराजगी नहीं है। आप थोड़ा इंप्रूव कीजिए इसको, ऐसे जैसे आप बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, जैसे मैंने देखा बच्चे लोग क्रेडिटर स्टार्ट किए तो बाई बैलेंस बीडी लिखे अपने आप ही, बाई बैलेंस बीडी। फिर आप लोग टू बैलेंस सीडी लिखते हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बाई परचेज भी लिखा कीजिए, टू कैश भी लिखा कीजिए, अमाउंट ढूंढ लेंगे ना बाद में। अब क्रेडिटर से माल परचेज ही तो करोगे, बेचोगे तो नहीं, बोली हाँ या ना? क्रेडिटर अकाउंट अगर बना रहे हो तो परचेज ही तो करोगे रे बाबा उससे, तो बाई परचेज लिखने में क्या दिक्कत है? आपके साथ क्या हो रहा मालूम, मैं क्या देख रहा हूं, ढूंढेंगे अब जो आएगा सोचेंगे, गॉट इट? क्यों, सोचा हुआ तो है। क्रेडिटर अकाउंट माने ही परचेज और पेमेंट, डेटर अकाउंट माने ही सेल और रिसीट, बोलिए हाँ या ना? ये चीज भी अगर आप लिखने लग जाएंगे ना, आप देखिएगा डिफरेंस, माने वो ही अलग रहेगा कॉन्फिडेंस ही। आप हमेशा देखिए मेरे को, हम लिख के रेडी रखते हैं सब चीज। अब इसमें क्रेडिटर में थोड़ी सेल हो जाएगा, तुम थोड़ी इल्लो को माल बेच दोगे, नहीं समझे अभी भी? चलिए बताइए क्या लिखना है, अब आप बताइए, जो बोलेंगे हम लिखेंगे। कहां पे लिखूं 72,000? गुड, तो इसमें से कौन सा फिगर कैशबुक में या रिसीट पेमेंट में जाएगा? तो ये सब काम आ रहा है ना यार हम लोग के, एक एक चीज हम लोग निकालते जा रहे हैं, हम लोगों का आंसर रेडी होता जा रहा है।
ये पोर्शन भी इजी था कि नहीं? सब्सक्रिप्शन वाला पोर्शन भी इजी था, ये भी इजी था, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट भी इजी था, लेकिन तीनों काम करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्पोर्ट्स क्लब है क्या? क्योंकि ये स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन का मेंबरशिप ले रहा है। और एक बार पढ़ लीजिए लाइन को, इजी है बहुत, आपके लेवल पे इजी है। बोलिए, पढ़ लिए? कब ये लोग मेंबर बना, ये क्लब मेंबर कब बना? 1 जनवरी को, माने ईयर एंडिंग के 3 महीना पहले कि 1 साल पहले? ईयर एंडिंग कब है? मार्च में। और ये लोग जनवरी में मेंबर बना है। और पेमेंट कब तक का कर दिया है? दिसंबर तक का कर दिया है। एक बार ऊपर में जो पीएल है, पीएल में जो मेंबरशिप फीस है, वहां जो 3200 का फिगर है, अब आपका दिमाग कैसे दौड़ रहा है, अपना दौड़ाइए दिमाग, क्योंकि अभी तक एक चीज भी गलत नहीं बोले हो, तो तुम्हारी इज्जत स्टेक पे है। क्या बोलो? ये 3 महीना का है, आई एम हैप्पी। एक्सप्लेन करो, इनकम एक्सपेंडिचर है और वो करेंट ईयर का है, और हम लोग जनवरी में मेंबर बने हैं, तो हम लोग तो मार्च तक का ही बनाएंगे ना, तो मार्च तक का 3200 रुपया है, लेकिन हम लोग पेमेंट पूरे साल भर का कर चुके हैं। तो ऐसे करके ये अमाउंट निकाल के दो, पांचवा वर्किंग बना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन, परचेज, क्रेडिटर, मेंबरशिप फीस पेड। एक बार ना ऐसे सीधा करके बोलो तो, कि 12,800, 3,200, 9,600, ऐसे बोलो, 12,800, 3,200, 9,600। ठीक से बोलो, कौन जो अभी तक मेरी क्लास को समझना स्टार्ट कर दिया होगा, मैंने क्या पूछा उसको समझ में आ गया होगा, बोलो कौन बोलेगा? हाँ, एक बच्ची बोल रही, बोलो बेटा। 12,800 हम लोग पे किए हैं, उसमें करेंट ईयर का 3200 हम पीएल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसको 9,600 एडवांस है, प्री पेड एडवांस है, हम लोग का असेट है वो। क्लियर है? कॉन्सेप्ट वाइज आपको कोई इश्यू नहीं है, यू आर गुड कॉन्सेप्ट वाइज। अब इतना बड़ा बड़ा सम कैसे मैनेज होता है, उसका तरीका आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, 50% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, माने आधा पीएल आधा बैलेंस शीट, यही तो? ऐसा आधा आधा 2-3 सम बना लिए हम लोग। पीएल जाके देखो, 1,20, 2,40, ऐसे करके 3 लाइन बोलो, 2,40, 1,20, 1,20। बोल बेटा, ठीक है, आगे बोल। 2,40, 1,20, 1,20 का एक सेंटेंस बना, 2,40 उसमें होना चाहिए, टोटल 2,40 मिला, उसमें से 1,20 पीएल में गया, 1,20 बैलेंस शीट में भेजेंगे। अरे 3 तो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि नहीं बता? एक रिसीट पेमेंट, एक इनकम एक्सपेंडिचर, एक बैलेंस शीट। तो 2,40 मिला, उसमें से 1,20 पीएल में गया, 1,20 बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे इसलिए बोल रहे हैं जाएगा। इसका वर्किंग बनाने का जरूरत है या ये डायरेक्टली चल जाएगा? एफ नंबर, दो क्वार्टर का ही मिला है, 6
छह महीना का बॉन्ड कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 8% माने 12,000 होता है साल का। एक बार पीएल में देखो तो 12,000 है क्या? और इसमें से आधा ही मिला है, यही तो। क्योंकि 12,000 पीएल में ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके देखा, 1.5 लाख इंटू 8%, 1,50,000 इंटू 8%, दैट इज 12,000 मिला, लेकिन 6,000 ही है, तो बाकी 6,000 आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, रिसीवेबल है, डन। देखिए कोई चीज में भी एरर नहीं हो रहा है, दी ओनली थिंग इज इट्स बिग सम। लास्ट पॉइंट देखो, एक नया एफडी बनाया है इन लोगों ने, लास्ट डेट में बनाया ना, हाँ, तो इसका इंटरेस्ट का लफड़ा नहीं होगा, बट एटलीस्ट ए पेमेंट विल हैपन। एफडी बनाओगे तो घर से रुपया तो लगेगा ही। तो अब ना वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ द सम, ठीक है। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज द स्पोर्ट्स मटेरियल का लफड़ा। आप अगर स्पोर्ट्स मटेरियल को देखोगे, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, देखो ना एक बार, दिया हुआ है ना, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, पर इधर हाथ देखना बेटा, परचेज भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूटिलाइज्ड, याद है आप लोग निकालते थे। अच्छा, और सेल भी दिया हुआ है, हां सेल का प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये पता अगर चल जाए कि कितना का माल हम बेचे हैं, तो कितना में बेचे हैं पता चल जाएगा। सर एक बार फिर से बोलो तो, जैसे आपको देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया है, 5500। अगर हम आपको बोले 10,000 का माल बिका है, 5500 प्रॉफिट में बिका है, तो आप बोलेंगे ना 15,500 में बिका है, तो कितना का माल बिका है, हम आपको ऐसे करके फिंगर्स पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वाइज जाते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग का जर्नी लेते हैं, और देखिएगा आप कितना आराम से निकाल लेंगे। फिर जो स्टूडेंट नहीं निकाल पाएगा उसके लिए हम अकाउंट बना देंगे, और कई तरीका से हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप खाली जो नॉर्मल जर्नी करते हो जर्नी स्टार्ट करो। पहला बार कैलकुलेटर पे क्या लिखोगे बोलो, 4-3 वो क्या है, ओपनिंग क्या, बैलेंस ऑफ व्हाट बे, बोलो ओपनिंग क्या, बोला बैलेंस, बेकूफ बेटा यहां पे डबल उम्र क्या, डबल उम्र मालूम ना, बोलो ओपनिंग और बैलेंस, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है तो ये ठीक है। ये बताइए क्या करना है, ये देखो इस साल का परचेज है, करिए ऐड कीजिए 115450 आया क्या? अच्छा उसके बाद एक फिगर है देखो, 62,800 पीएल के डेबिट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिए, लेस कर दो, थैंक यू वेरी मच, कर दिए लेस, हम भी कर दिए, कितना आया 52,650। उसके बाद एक फिगर देख 35,670, ये अपने पास अभी भी पड़ा हुआ है, कर दिए माइनस, मेरा आया 16,980। अच्छा वो बच्चे लोग जो ये सब नहीं समझ पा रहे, कोई टेंशन मत लेना, मैंने लेकिन कई बार बोला ओपनिंग से क्लोजिंग का जर्नी करो, मिसिंग फिगर सब रास्ते में बिखरा हुआ मिल जाएगा। ये 16,980 क्या है, कॉस्ट है, उस माल का कॉस्ट है जो हमने बेच दिया है, यस नो बोलो, ये उस माल का कॉस्ट है जो हमने बेच दिया। मैं फिर से बोलता हूं, राउंड ऑफ में बोलूंगा अभी, जल्दी जल्दी सुनना, 43 मेरे पास ओपनिंग में माल था, 43,000, 72 हम और परचेज किया, राउंड ऑफ में 115 हो गया, 115 के बाद हम 63 खा गए, कंज्यूम कर दिए, बैट बॉल खेल खाल के तोड़ताड़ दिए, तो 115 में से 63 चला गया, राउंड ऑफ में 52 के आसपास बचा, 52 के बाद मेरे पास अभी भी 36 पड़ा है, यानी 16 का माल हम सेल आउट कर दिए, और कहां जा सकता भाई, माल बिका है लिखा हुआ है, 5500 का प्रॉफिट में बिका है, ऊंचा दाम में बिका है, कितना में सेल हुआ है,
ये आप जैसे बोले वैसे ही किया, ओपनिंग, फिर परचेज, फिर जो खत्म कर दिए और फिर जो बचा हुआ है, तो ये माल हम बेच दिए। कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, और सेल वैल्यू निकला थोड़ा ज्यादा। अच्छा, एनीबडी हु कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, उसके लिए ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, जिसको भी ये नहीं समझ में आया, सबको आ गया? तो अब ना जिसको जिसको भी समझ में आ गया वो मेरे को हेल्प करो, ठीक है। ये हम स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बना रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऊपर से देख देख के बोलना है, 4-3, टू परचेज, बाय बैलेंस सीडी, वेरी नाइस, बाय कंजम्पशन, बोला करो तो, बाय कैश टू प्रॉफिट, माल ऊंचा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा ना। मैं यहां पे बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकता था कि बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लो, जानबूझ के एक ही में दोनों सल्टा दिए, नहीं समझे, बाय कैश करके टू प्रॉफिट लिख देंगे ना, एक साथ दोनों हो जाएगा, नहीं तो फिर बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होगा, फिर ऊंचा में बेच के प्रॉफिट लाना होगा, तो बाय कैश टू प्रॉफिट बताओ, और एक ऑनेस्ट अपना बात रखेंगे, ये ज्यादा अच्छा लगता है या आजकल ये ज्यादा अच्छा लगने लग गया है, ये वाला ना, ये जो ओपनिंग से क्लोजिंग का जर्नी कैलकुलेटर से करना चालू कर दिए ना आप लोग, ये कैश फ्लो अमलगमेशन बड़ा बड़ा चैप्टर में बहुत काम आएगा, बिकॉज इतना बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और अभी अच्छा ये लग रहा है कि आप इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बट अगेन ये भी आपको आना चाहिए। सम इज डन, अभी क्या करना है बोलिए, सारा वर्किंग कंप्लीट, स्टार्ट करो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रेडी, एक एक चीज करके नाम और अमाउंट देखना आप कितना स्पीड से बना पाएंगे, एक एक करके नाम और रिसीट बोलते जाओ, पहले टू बैलेंस बीडी बोल दो ना, कहां से भी ला सकोगे लाओ और बोलते जाओ, मैं वेट करूंगा, कोई भी आंसर पहले सही मिल गया हम आगे बढ़ जाएंगे। 8300 टू सब्सक्रिप्शन, फोर लैख 27,000 एंट्रेंस फीस मुझे ज्यादा मिला है, आपको जितना दिख रहा है मुझे उससे डबल मिला है, स्पोर्ट्स मटेरियल मैं जो बेचा हूं आपको जो प्रॉफिट का फिगर दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा दाम में बेचा हूं,
सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वेरी नाइस, 22,480। इंटरेस्ट आपको जो दिख रहा है मुझे उससे कम मिला है, कम मिला है, इसमें तो कुछ लफड़ा होता नहीं न्यूज़पेपर सेल में, क्या तो कम और बेसिक कबाड़ी को माल बेचोगे, थोड़ी उधार में बेचोगे। बोली पेमेंट सब लिखना है अभी, हाँ थोड़ा रुकना है, हड़बड़ाना नहीं है। आप लोगों को ना बच्चों थोड़ा ध्यान देना, आप लोगों को पेमेंट पता करना है, हाँ पेमेंट, और इस बार स्पीड से मत करना, थोड़ा पेशेंस के साथ करना है। जैसे मैं यहां अंदर ब्रैकेट में लिख रहा हूं सैलरी 118,800, अपना नीचे में दो फिगर है, उसमें से खाली आपको यह दिमाग लगाना है इसका पेमेंट हुआ है इसका पेमेंट नहीं हुआ है। जिसका पेमेंट हुआ है जोड़ दीजिएगा, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है माइनस कर दीजिएगा, एकदम आराम से टाइम लो। प्लस 16,000, वेरी नाइस, मैं ना टाइम दूंगा मेरे को समझाना ये वाला। प्लस 16,000 माइनस 14,300 लिख लो, और बहुत अच्छा से बोला है बच्चे लोगों ने, मुझे समझाना बस, अभी आगे मत बढ़ना। वन टू जीरो, खाली ये प्रूफ करो ना 14,300 का पेमेंट नहीं हुआ है। अरे सर आउटस्टैंडिंग है, मतलब ही तो है कि पेमेंट नहीं हुआ है, और 16,000 का पेमेंट हो गया होगा, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इस साल तो नेचुरली पेमेंट होता है ना, बिकॉज इस साल का तो आउटस्टैंडिंग फिर ये वाला है ना 14,000, तो इसका तो पेमेंट हुआ तभी ना ये 14,000 है। सैलरी के बाद रेंट, ऐसे ही बोल के दिखाओ, 216 प्लस, वेरी गुड, टोटलिंग कर लेंगे बेटा, वेरी नाइस, आप लोग बहुत अच्छा चल रहे हो, इसको थोड़ा आगे चला लो इसी तरीके से, इतना बड़ा सम भी देखेगा अपने को अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। By printing and stationery, इस बार एडवांस है, थोड़ा हड़बड़ाना मत और ज्यादा केयरफुल होना, नहीं वैसे माइनस प्लस नहीं, ऐसे करके बोलना है। 28,000 बोले तो, किसका पेमेंट हुआ है और किसका पेमेंट नहीं हुआ इस साल, इस साल किसका पेमेंट हुआ है और किसका पेमेंट नहीं हुआ, नीचे का दो फिगर में बोलो, किसको प्लस किसको माइनस करने बोल रहे बोलो ना, माइनस 1,350, फैंटास्टिक। अब एक्सप्लेन करो पहले, 1,550 का पेमेंट इस साल हुआ है, प्रूफ करो इसका पेमेंट इस साल हुआ है। हाँ सर एडवांस है, एडवांस तो पेमेंट होने के बाद ही ना, जैसे तुम लोग हमको बोलते सर हम लोग आपको एडवांस दिए हैं, तो दिए हो ना जी, पेमेंट किए हो ना, गुड, अमाउंट बोल दो, गुड। ये सब समझ में आ रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया? पोस्टेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट कितना है, मेंबरशिप फीस में ना हमने बहुत ज्यादा पेमेंट किया, बहुत ज्यादा, बारह हजार,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज में भी ना कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पेमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। अमाउंट बोलिए इलेक्ट्रिसिटी का। थोड़ा फास्ट हो जा रहा है नहीं? इलेक्ट्रिसिटी के बाद गार्डन अपकीप में भी कोई लफड़ा नहीं है, जितना है वही पेमेंट है। 19,000। रिपेयर्स में लफड़ा है ना? हाँ है, रिपेयर्स में टेंशन है। मैं अंदर लिख रहा हूं, आप बताना प्लस माइनस करके। मैंने लिखा देखिए 18,700। देखिए इस बार क्या करते हो, प्लस कितना? वेरी गुड, इसका पेमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन तो कैश बुक का आइटम नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंस। इसमें भी कोई प्रीपेड प्री रिसीव्ड है क्या? नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंस का अमाउंट को एज इट इज लिख दीजिए। सरप्लस जो दिख रहा है आपको वो कोई रिसीट या कोई पेमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। अब आप बी नंबर पैरा को देख के बताइए, बी को कितना फिक्स्ड असेट का परचेज हुआ था जिसका आपने वर्किंग बना रखा है? 40 बोले ना, पता करो 40 कैसे बोले, एक बार देख लो वर्किंग में। बी नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, 40 तो लिख लो बाई फिक्स्ड असेट्स 40। वर्किंग दिखा दो एक बार हमको, कौन सा नंबर? तीन नंबर, ये रहा। जिसको भी 40 नहीं मिल रहा वो देख लो, ये रहा। सी नंबर देखिएगा, क्रेडिटर को कुछ पेमेंट किए होंगे, पेमेंट बताइएगा, परचेज मत बताइएगा। क्रेडिटर को 71,200 पेमेंट किए हैं। डी में देखिएगा, टेबल टेनिस एसोसिएशन को लंबा पेमेंट किए थे 12,800। लिख दिए हैं क्या रे वो 12,800 लिख दिए हम लोग, ग्रेट। ई में देखिएगा, एंट्रेंस फीस हमको काफी ज्यादा मिला है, लिख दिए हैं, ठीक है। एफ में देखिएगा, इंटरेस्ट हमको थोड़ा कम मिला है, लिख दिए हैं, वेरी नाइस। जी में देखिएगा, हमने एक डिपॉजिट बनाया है तो पेमेंट करना पड़ा होगा ना,
लास्ट बेंचर 15680 बड़ा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था, टू मेनी आइटम्स वेयर देयर, लेकिन अनमैनेजेबल नहीं था। क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। कैन वी स्टार्ट? यू आर रेडी विद द फॉर्मेट? ऑल प्लीज। सबसे पहले हम फिक्स्ड असेट लिख रहे हैं। ओपनिंग से क्लोजिंग तक का जर्नी ले लो। ओपनिंग फिक्स्ड असेट बताओ 240, नया खरीदे कितना 40, थैंक यू 280, और डेप्रिसिएशन कितना दिए पता कर लो, डेप्रिसिएशन कितना दिए 13, बस बैलेंस बता दो फिर से। इसको एक बार रीकन्फर्म करो तो यस नो बोल के नहीं, ऐसे अमाउंट बोल के 240 प्लस 40 280 माइनस 13, ठीक इजी है। इसके तुरंत बाद हम कौन सा असेट लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट्स। एक गवर्नमेंट बॉन्ड है मेरा, एक हमने फिक्स डिपॉजिट भी बनाया अभी, और एक मेरा थोड़ा सा इस पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है। अच्छा, मेरा गवर्नमेंट बॉन्ड कितना का खरीदा हुआ है? थोड़ा टैप खुला हुआ जरा देखिए तो, एक गवर्नमेंट बॉन्ड बताइए 150, वेरी गुड। मेरी असेट है ये सब। फिक्स डिपॉजिट कितनी बनाई है और इंटरेस्ट कितना मिलना बाकी था? ऐसा ग्रुप बना बना के असेट लिखेंगे ना, हमेशा याद रहेगा। और असेट सब बताइए क्या क्या है। करेंट असेट लिखना है अब, बैंक बैलेंस। धीरे धीरे एकदम आराम से बोलिएगा, कुछ मिस होगा बाद में पता चल जाएगा। बैंक बैलेंस है 15,680, बोलिए और क्या है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बोलो 35670, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल स्मॉल अमाउंट है पर है ना 5700। एडवांस हमने किसको दिया है? स्टेशनरी के लिए ना, छोटा अमाउंट है। ये सब सारा अमाउंट एक जगह पे लिखा हुआ, आप आराम से खाली लिख दे रहे हैं ना, वेरी गुड। और बोलो, एक एडवांस हमने उसको भी दिया है, स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन को, उसको कितना एडवांस दिए थे हम भूल गए अमाउंट, 9600। और कोई करेंट असेट दिखेगा ना, वी विल फाइंड इट लेटर, अभी तो जितना था एक बार लिख दिए। लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करें कि टोटल करोगे पहले? टोटल करोगे, कर लो। टोटल करते वक्त क्या थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है।
ये अमाउंट 571200 आया, कॉर्पस फंड का स्टार्टिंग कर रहा हूं, ये छोटा सा मेरा ओपनिंग बैलेंस है 409 का। आगे बोलिए, एड सरप्लस, सरप्लस कितना था ये तो इनकम एक्सपेंडिचर से ही पता चल पाएगा ना। ओके 3500 और लेगेसी नहीं है ना, फाइव थर्टी टू मेन तो यही है, 570 में 530 तो यही है, नहीं देखिए नहीं समझे क्या बोल रहे हैं। 570,000 का टोटल असेट है, उसमें कॉर्पस ही 530,000 का है, तो 40,000 की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ढूंढिए एक एक करके नाम के साथ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी बोल रही थी बच्ची, जरा दोनों बोल दो तो एक साथ, कौन सा बोल रहे हो अभी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो 14 और सब्सक्रिप्शन एडवांस 4900। 20,000 का और डिटेल मिल गया, और 20 का खोजो बस, आउटस्टैंडिंग रेंट 15 का ये हो गया, और 5 खोज लो बस, क्रेडिटर्स कितना 4000, हाँ तो हो गया होगा, और नहीं है मेरे पास, हम लोगों को डिस्कशन के साथ 50 मिनट लगा, 25 मिनट्स हम लोग जल्दी बना पाए। हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ नहीं समझ पाए, एनीबडी हु कुड नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, सबको ही समझा। अभी सुनिए, दो तीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और थोड़ा भी हड़बड़ाओगे नहीं, पूरा बात को अच्छे से सुनोगे। सैटरडे एंड मंडे हम कलकत्ता से बाहर हैं, लेकिन तुम्हारी क्लासेस होंगी। तुम लोग इंश्योरेंस क्लेम का जो चैप्टर है, इंश्योरेंस क्लेम, उसकी दो क्लास करोगे, लॉस ऑफ स्टॉक की, यू अंडरस्टूड। वीडियो क्लास चलेगी, आपने शायद एक भी वीडियो क्लास अटेंड नहीं किया, 11 बजे वाले बैच के बच्चों ने किया एक, तो आप पहली बार करोगे। सुनिए, स्टोरी ये है कि जो वीडियो क्लास रिकॉर्डेड है वो इमीडिएटली जो लास्ट वाला बैच अभी जो हम लोग पढ़ाए हैं उसका रिकॉर्डिंग क्लास है। टू, ऐसे चैप्टर्स का वीडियो चलता है जिसमें चेंज नहीं होता है, जैसे एस के कारण, एस तो बदलते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। द ओनली डिफरेंस विल बी कि मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहूंगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, थोड़ा सा पैकिंग बंद कीजिए, अभी क्लास चलेगी थोड़ी देर। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्लास में एकदम चुपचाप रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं रहता हूं तो मैं क्लास को कंट्रोल कर लेता हूं,
मैं आपको ज्यादा चिल्ला चिल्ली करने नहीं देता तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते। यह एक तो डर है मेरा कि नहीं सर चिल्लाएंगे तो कुछ तो बोल देगा आदमी, बाई चांस क्लास से निकाल दिया तो, उस तरह डर रहता है बच्चों के मन में। हम नहीं रहेंगे तो खुला खाता है, जो मन आएगा वो करोगे, ऐसा करना मत, क्योंकि मंडे के बाद वाले दिन ट्यूसडे के दिन हम रहेंगे, समझ गए। स्टाफ ने अगर किसी भी स्टूडेंट का नाम लिया कि सर ये क्लास को ठीक से चलने नहीं दे रहा था, वो दो तीन चैप्टर के लिए सस्पेंड हो जाएगा। नाउ हम उसको देखना चाहेंगे जिसने बस बोला। सुनिए, नाउ 22 साल लोगे पढ़ाते पढ़ाते मैंने आज तक किसी को सस्पेंड किया नहीं है, एंड यू नो एवरीथिंग बिगिंस व्हेन इट बिगिंस विद द फर्स्ट टाइम। तो हमको मालूम नहीं हम सस्पेंड कर पाएंगे या नहीं, बट आई फील डिटर्मिंड दिस टाइम दैट आई विल डू दिस। आई हैव फेल्ट इट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इन पास्ट। एक बार और बोलता हूं, बच्चों सुनो प्लीज, अब मजाक नहीं। आप लोग वीडियो क्लास में एकदम कंफर्टेबली जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे, क्लास एग्जैक्टली वैसे ही चलेगी, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, मान लो क्वेरीज रहेंगी, तो मैं जब ट्यूसडे को आऊंगा तो हम लोग एक टू क्वेरी का सेशन रख लेंगे, उसको सेटल कर लेंगे। डन, क्या बोल रहा बेटा? 1 मिनट नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा फोन करने का, ट्यूसडे तक वेट कर सकते हो। You are not dying, I will not die in 2-3 days. And if you die, तो ऐसे भी तुमको query करके फायदा क्या है? And sorry, actually कोई कुछ बोलता है ना तो हम रुक नहीं पाते हैं। मेरे को लगता है कुछ तो जरूर बोलना चाहिए, घर में बोलने नहीं मिलता तो क्या करेगा आदमी, तुम बताओ। तो बेचारा यही बोलता है, वो क्या करोगे। वन मिनट सम नंबर 7 आपको होमवर्क दिए हैं क्या? देखो तो कौन सा आपका होमवर्क में पेंडिंग है? 7 और 5। हाँ तो 5 तो बहुत बड़ा वाला सम है, आप आज का होमवर्क में 7 लेके रखेंगे। 7 आपका आज का होमवर्क है। चलिए ट्यूसडे मैं मिलूंगा आपसे, जो कुछ है नहीं नया मेरे पास। सुनी सुने तो सुनाते, सुने बेटी, थोड़ा बैठो प्लीज। ये सीए के बच्चों के ऊपर 2-3 तो जोक है, हमको एक तो सुनाएंगे आप लोगों को। सुनिए बोलूं? सुनिए, एक बार क्या होता है, 2-3 है, एक साथ 2-3 अगर बोल पाऊंगा तो बोलता हूं। एक बार क्या हुआ कि सीए का एग्जाम का रिजल्ट निकला, सीए का। अच्छा, एक स्टूडेंट है सीए फाइनल का, मान लो वो स्टूडेंट है, रिजल्ट निकला एग्जाम का और वो 5वां बार फेल हो गया। सीए फाइनल का स्टूडेंट है, 5th टाइम ही फेल, 5-6 बार फेल हो गया। तो वो चला गया शंकर भगवान जी के पास, कैलाश पर्वत, ठीक है, हाँ भोले बाबा के पास। थोड़ा सुनिएगा, तो वो गया वहां पे और पूरा एक पांव पे खड़ा होकर के तपस्या किया वो भगवान का, ठीक है। आप बीच में कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। सीए का जोक है 2-3 टो, आपको ऐसा फील होगा कभी कभी आपके ऊपर लग रहा है। तो भगवान को मनाया
भोले बाबा को मनाया, वो प्रसन्न होकर के आए, वो तपस्या देख के एक टांग पे खड़ा होकर के महीना दो महीना पूरा तपस्या किया वो। तो भगवान जब आए तो उसको बोले कि बोलो वत्स क्या मांगते हो, मांगो। तो बोला बाबा सीए फाइनल मेरा निकल नहीं रहा है, सीए फाइनल मेरे को पास करा दीजिए। बोला बेटा कुछ और मांग, जो मांगोगे वो मिलेगा। बोला नहीं बाबा और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, आप खाली मेरा सीए फाइनल पास करा दीजिए। बोला नहीं नहीं बेटा कुछ और मांग, जो मांगोगे देंगे। बोला बाबा आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ मेरे सिंपल सा सीए फाइनल अपना पास मांग रहा है, आपको प्रॉब्लम क्या है? बोला नहीं बेटा मेरा फाउंडेशन नहीं निकला अभी तक। तो हमारे भगवान भी बोलो सीपीटी पास नहीं कर पाते हैं। अच्छा सुनिए, एक बार क्या हुआ, सीए का रिजल्ट आया, आईपीसीसी का रिजल्ट आया, एक बंदा है, मान लीजिए उसका बंदे का नाम है, बंदा का नाम राजेश, हाँ अभी वो गया अपने, रिजल्ट आने के बाद घर जाता है, जैसे मान लो घर गया। सुनिए, तो उसको पूछा उसका बाप कि बेटा क्या हुआ तुम्हारा? बोला वो पड़ोस के जो शर्मा जी है ना, उनका जो बेटा वो फेल हो गया। बोला बेटा तेरा क्या हुआ? बोला वो जो आपके फ्रेंड है ना, उनका जो बेटा वो भी फेल हो गया। तो बेटा बोला तेरा क्या हुआ? बोला हम समाज से अलग थोड़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करते हैं।